नमस्ते सभी को। तो हम लोग इस बात को अपने आप में देखने का प्रयास कर रहे थे कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, शरीर साधन मात्र है। उसको ही और अगर विस्तार से देखें तो दृष्टा होने का मतलब क्या है कि जो मेरी ऊपर की क्रियाएं हैं, हायर लेवल एक्टिविटीज है, जिसको ब्लॉक B1 कह रहे हैं, वही मुख्य रूप से दृष्टा है। तो यदि हम रूप का स्वादन कर रहे हैं तो वो ब्लॉक B2 में हो रहा है। हम किसी इकाई के साथ परस्परता में गुण का विश्लेषण कर रहे हैं तो वो भी कल्पनाशीलता में हो रहा है। परंतु हम जब संबंध को देख रहे हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं, अस्तित्व को देख रहे हैं, जिसकी निरंतरता है, जिसकी निश्चितता है, जिसकी सार्वभौमिकता है, तो ये काम तो ब्लॉक B1 से ही हो रहा है ना। तो ब्लॉक B1 से जब हम देखते हैं तो जैसे अगर हमें कोई पेड़ का भी सामने से रूप का आस्वादन हो रहा है तो हमको दिखाई देता है कि इस पेड़ का भी एक संबंध है शेष प्रकृति के साथ। ये पेड़ अपने आप में व्यवस्था है और पेड़ शून्य में संपृक्त है। और इसको जब मैं देख पाता हूँ तब मैं पूर्णता में इस पेड़ को देख पाता हूँ, वैसे ही मैं प्रकृति की हर इकाई को देख पाता हूँ। तो अभी जो हमारे देखने की सीमा है वो ये है कि हम अधिक से अधिक इस पेड़ के रूप का आस्वादन कर लेते हैं, है ना, और पेड़ के गुण को हम विश्लेषण कर लेते हैं कि देखो इसमें पानी नहीं पड़ा इसलिए पत्ते सूख रहे हैं, पानी पड़ा है इसलिए पत्ते हरे हैं, ऋतु आ गई है इसलिए इसमें फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, ऋतु चली गई है इसलिए पतझड़ जैसा हो गया है और इसके पत्ते झड़ रहे हैं। ये सारा कुछ हम जो रूप में परिवर्तन देखते हैं उससे हम उसके गुणों का भी विश्लेषण कर लेते हैं। परंतु ये जो हम देख पा रहे हैं इसमें ना तो निश्चितता है, ना निरंतरता है, ना सार्वभौमिकता है। ये इकाई से इकाई में वैरी करेगा, जैसे हर पेड़ का कुछ नया रूप होता है, है ना। गुणों की बात करें तो किसी पेड़ को कम पानी चाहिए, किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी के पत्ते कम झड़े हैं, किसी के ज्यादा झड़े हैं, तो रूप और गुण के स्तर पर जब देखते हैं तो पूरा वेरिएशन है। परंतु जो चीज हम मिस कर जाते हैं देखने में, ये देखो ये जो पेड़ खड़ा है मेरे सामने, इस पूरी प्रकृति का एक हिस्सा है और पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हवा पानी मिट्टी, है ना, मुझसे भी जुड़ा हुआ है और इसके मूल में एक संबंध है, तो संबंध के आधार पर ही जुड़ा हुआ है। और पेड़ अपने आप में व्यवस्था है, एक बीज से पौधा बना, पौधे से वृक्ष बना, और ये वृक्ष पूरा बढ़कर बड़ा हो गया और कुछ समय बाद वापस मिट्टी मिल जाएगा, एक पूरी व्यवस्था बन रही है। और ये दिखता है कि संबंध और व्यवस्था के आधार में शून्य है, जिसमें संपर्क बने रहते हुए ये पेड़ एक निश्चित व्यवस्था के साथ बना हुआ है, संबंध को पहचान रहा, निर्वाह कर रहा है। ये कुछ आगे की चीजें हैं जिसको हम देखने का प्रयास करें। और मूल रूप से देखें तो दृष्टा भाव, जिसे हम शुद्ध दृष्टा कह रहे हैं, यही है कि मैं इस चीज को देख पाऊं। कर्ता की बात करें तो निर्णय ले रहा हूं मैं, तो ब्लॉक B1 में तो देखने का काम हो रहा है, समझने का काम हो रहा है, ठीक है ना। जो निर्णय लेने काम हो रहा है निर्वाह के अर्थ में, वो ब्लॉक B2 में हो रहा है। तो यहाँ मैं संबंध को पहचानता हूँ दूसरी इकाइयों के साथ, फिर मैं उसका विश्लेषण करता हूँ कि मुझे इसको कैसे पूरा करना है, और फिर मैं उसका चयन करता हूँ कि हाँ इसको इस प्रकार से निर्वाह करना है कि नहीं। तो हमने प्रकृति को देखा, प्रकृति समझ में आई, उसमें पेड़ भी समझ में आया, पौधे भी समझ में आए, मिट्टी हवा पानी भी समझ में आया, पशु पक्षी भी समझ में आए। अब सामने जो पेड़ है उसके लिए मैं निर्णय लेता हूँ कि मुझे इसके साथ क्या निर्वाह करना है। तो अगर पेड़ सूख रहा है तो पौधा इसके जड़ में पानी डाल देंगे, अगर कहीं जगह है और पेड़ नहीं है तो पेड़ लगा देंगे। अब ये सारा निर्णय जो मैं ले रहा हूँ ये कल्पनाशीलता में हो रहा है ना, और इसमें रूप और गुण भी शामिल है इकाई का। तो जो डिटेलिंग है, योजना बना रहा हूँ, कार्यक्रम बना रहा हूँ, क्रियान्वयन कर रहा हूँ, ये सारा मैं ब्लॉक B2 में कर रहा हूँ, ये करता होना है। और यदि भोक्ता को देखें तो ब्लॉक B1 में भी है और B2 में भी है। तो ब्लॉक B1 में ज्ञान के आधार पर, संबंध व्यवस्था और अस्तित्व को देख पाने के, समझ पाने के आधार पर मैं अपने आप में हर क्षण सुखी रहता हूँ, तो मेरे अंदर परमानंद की स्थिति रहती है, आनंद की स्थिति रहती है, संतोष की स्थिति रहती है। और ब्लॉक B2 में देखें तो सुख और शांति की स्थिति रहती है। अगर ब्लॉक B1 नहीं भी एक्टिव है तो
तो भी ब्लॉक B2 में हमारे अंदर कुछ ना कुछ भोक्ता भाव तो बना हुआ है। अभी सुख की निरंतरता नहीं है, शांति की निरंतरता नहीं है, कभी होता है, ज्यादातर समय नहीं होता। तो अभी सुख और शांति नहीं है ब्लॉक B2 में, निरंतरता में। जब ब्लॉक B1 एक्टिव होता है तो इसकी निरंतरता हो जाती है, वही हमारी वांछित स्थिति है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो भोक्ता को अगर देखें तो ब्लॉक B1 में भी है और B2 में भी है। जो B1 में है वो मुझे सहज रूप से स्वीकार है, जो B2 में है वो कभी सहज रूप से स्वीकार होता है, कभी नहीं होता, अगर B1 एक्टिव नहीं हुआ है कि नहीं। तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि भोक्ता भाव कहाँ पे है। तो ब्लॉक B1 में निरंतरता है, निश्चितता है। ब्लॉक B2 में अभी अगर B1 एक्टिव नहीं हुआ है तो निरंतरता नहीं है, निश्चितता नहीं है। तो ब्लॉक B1 में चिंतन बोध अनुभव की क्रिया के साथ मेरे अंदर संतोष, आनंद और परमानंद स्थिति बनी रहती है। और अगर चिंतन बोध अनुभव पूरा हो पाया है तो ब्लॉक B2 में सुख और शांति बना रहता है। तो इनके डिटेल्स को हम लोग और थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, है ना। हम लोगों ने सेल्फ के डायग्राम को अभी देखा था, इसको डिस्कस किया था, और हम लोग बार बार लौट कर आएंगे, क्योंकि पूरा कोर्स ही इस बात के लिए है कि हम स्वयं के ज्ञान को संपूर्णता में सुनिश्चित कर पाए, है ना। उसके आगे जाए तो अस्तित्व के ज्ञान को संपूर्णता में सुनिश्चित कर पाए। तो हम लोग इस डायग्राम पे लौट लौट के आएंगे, इसको कनेक्ट करेंगे हर बार हर वस्तु के साथ। तो अगर इस डायग्राम को देखें तो ये सेल्फ का डायग्राम है, जिस पर हमने पहले भी बात किया था। ऊपर 5 क्रियाएं लिखी हैं, अनुभव, प्रमाण, बोध, संकल्प और चिंतन। ये ब्लॉक B1 है, यही दृष्टा, शुद्ध दृष्टा यही है। ब्लॉक B2 में देखें, जहाँ पे चित्रण, तुलन, विश्लेषण, आस्वादन, चयन, युक्तियां लिखी हैं, ये करता होना है। तो मैं चित्रित करता हूँ कि अगर ब्लॉक B1 एक्टिव हो गया है तो संबंध, व्यवस्था और संस्कृति के ज्ञान के आधार पर मेरे जीने का कार्यक्रम क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, निरंतर सुखपूर्व जीते हुए मेरे जीने का स्वरूप क्या होगा। अगर नहीं एक्टिव हुआ तो भी मैं चित्रित करता हूँ, भले उसमें मान्यताओं का प्रभाव होता है, संवेदनाओं का प्रभाव होता है। हाँ, खूब साधन संपन्न हो जाऊंगा तब तो मैं आराम से रहूंगा, पूरा जीवन सुखपूर्वक जीऊंगा, सभी मेरी बात मानेंगे, सब मेरे अनुसार चलेंगे, सब मेरा ही नाम लेंगे, तो मैं बराबर सुखी रहूंगा, हमेशा सुखी रहूंगा, ये भी एक चित्रण है। तो अब ऐसा चित्रित करता हूँ तो उसके आधार पर मैं योजना बनाता हूँ, कार्यक्रम बनाता हूँ, क्रियान्वयन करता हूँ। तो चित्रण में भी देखें तो कर्ता भाव है, और उसके अनुसार जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ऐसे करूंगा कि वैसे करूंगा, फिर मैं तुलन करता हूँ, ये करें कि वो करें, दो ऑप्शन है मेरे पास या मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास। तो यहाँ भी हम कर्ता भाव के साथ निर्वाह कर रहे हैं, और फिर जो भी हम विश्लेषण करते हैं, तुलन करते हैं, सब कुछ स्वाद मिलता रहता है, और फिर हम चयन करते हैं। हाँ, आज के दिन तो यही ठीक है ना, कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे, 10 साल बाद ऐसा करेंगे, इनके साथ ऐसा करेंगे, उनके साथ वैसा करेंगे, ये सारा मैं चयन करता हूँ। तो ये कहाँ हो रहा है, ब्लॉक B2 में हो रहा है। और आस्वादन के स्तर पे देखें तो हम सुख या दुख का आस्वादन कर रहे हैं, आराम में है कि परेशान है, है ना, इसका हम आस्वादन करते रहते हैं। तो आस्वादन भी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर शुद्ध दृष्टा भाव विकसित हो या ना हो, कर्ता भाव तो बना ही रहता है, और आस्वादन करते यानी भोक्ता भाव भी बना रहता है, और सहज स्वीकृति बनी रहती है। तो शुद्ध दृष्टा के रूप में भले ही ना हो, परंतु देखने की चाहना बनी रहती है। अभी शुद्ध दृष्टा भाव को विकसित करना है ताकि कर्ता भाव नियंत्रित हो जाए, निश्चित हो जाए, भोक्ता भाव में तृप्ति हो जाए, उसके लिए अभी काम कर रहे हैं ना। और अभी जो हमारा देखना है वो ब्लॉक B2 में रूप और गुण के स्तर पर है, बट वो पूर्णता में देखना नहीं है, आंशिकता में देखना है, और इसीलिए उसमें कई बार भगदड़ रहती है। तो ये हम अगर अपने आप में लोकेट करेंगे, ये बातें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। देखिए, इस पूरे सुबह के सत्र में प्रयास ये है कि एक तो ये जो पूरी बात कही जा रही है, जैसी कही जा रही है वैसा हमको पूरा सुनने में आ जाए, है ना, हमारी कल्पनाशीलता में बैठ जाए। एक बात तो ये है, यही कहा जा रहा है। कई बार हम लोग जो प्रश्नोत्तरी भी करते हैं, प्रश्न को लेते हैं, उत्तर देते हैं, तो आप पाएंगे कई बार प्रश्नों से ये जो बात कही जा रही है, कहा क्या जा रहा है, वो हमको स्पष्ट रूप से कम हमारे अंदर बैठ जाए कल्पनाशीलता में, उस अर्थ में होता है। दूसरा है कि इसके साथ मैं अपने जीने का चित्रण कर पाऊं कि अगर ऐसा है, अस्तित्व ऐसा है, संबंध ऐसा है,
प्रकृति ऐसी है, परिवार में व्यवस्था का ये अर्थ होता है, समाज में व्यवस्था का ये अर्थ होता है, शरीर के साथ रख रखाव का ये तरीका है, मेरा ये लक्ष्य है ना, जैसा प्रस्ताव में सुनने को मिल रहा है, तो उसके साथ मैं कैसे जीऊं, मेरा स्वरूप क्या होगा, अब मैं उसको चित्रित करता हूँ, विश्लेषित करता हूँ, तुलन करता हूँ, उसके आधार पर फिर चयन करने का भी प्रयास करता हूँ, फिर कहीं उलझता हूँ, फिर प्रश्न करता हूँ, फिर समझने का प्रयास करता हूँ। तो दूसरी बात तो यह है कि हम उसके साथ पूरी कल्पनाशीलता को संयोजित कर पाए, उस अर्थ में हम उसको नियोजित कर पाए, उसको लगा पाए। एक तो प्रस्ताव पूरा हमारे अंदर कल्पनाशीलता में बैठ पाए, ठीक, दूसरा हम उसको उसके आधार पर जीने के स्वरूप को पूरा अपनी कल्पनाशीलता में नियोजित कर पाए, तीसरा जो कहा जा रहा है उसको अपने आप में जांच कर देख पाए ऐसा है कि नहीं, वहां पे हम शुद्ध दृष्टा के रूप में उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हमको जांच पाए, है ना। और फिर उसके साथ अगली बात यह है कि अब इसके साथ मैं अपनी भागीदारी को भी देख पाता हूँ, तो संबंध में मेरी क्या भागीदारी होगी, आसपास की प्रकृति के साथ मेरी क्या भागीदारी होगी, और उसको मैं फिर जीता हूँ, ठीक है ना, उसको मैं फिर जीता हूँ। तो ये चार बातें हैं अगर हम इस चीज को देखें। तो जो पहली बात है वो भी महत्वपूर्ण है कि जो प्रस्ताव कहा जा रहा है, रखा जा रहा है, वो पूरी तरह समय कल्पनाशीलता में बैठे। तो इसके लिए है ना, हम जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न करें, अच्छी बात है। ये इतनी बात स्पष्ट है जो मैंने कही। अब इसको और थोड़ा विस्तार में जाते हैं, है ना, ब्लॉक B1 में देखने का अर्थ क्या, शुद्ध दृष्टा का क्या अर्थ है। जी नमस्ते भैया। नमस्ते जी भैया, जो ये ब्लॉक B1 है, जैसे ब्लॉक B2 में जो क्रियाएं स्थिति और गति के रूप में अवेलेबल हैं, वो बहुत बार सुनी है, प्रैक्टिस में भी लेकर आए हैं, तो उसका मीनिंग थोड़ा समझ में आता है। ब्लॉक B1 में जो क्रियाएं स्थित हैं और जो क्रिया गति के रूप में अवेलेबल है, एक बार उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ से बता देते तो ठीक बात है। अभी आते हैं उसपे, उससे पहले भी बात हुई थी, पर इसको हम लोग बार बार भी रख सकते हैं ताकि हमको ठीक से स्पष्ट हो जाए। तो अनुभव का मतलब है कि पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है, पूरी प्रकृति शून्य में संपृक्त है, शून्य में बनी रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, ये दिख जाना ऐसा ही है, इसको अनुभव कहा। अब जब ये दिख गया तो इसके आधार पर निर्णय भी होगा कि पूरा अस्तित्व ऐसा है ना, तो अब इसके साथ मुझे क्या करना है, इसके बारे में निर्णय भी होगा, उसको प्रमाण कहा। तो उसकी गति मिलती है, तो स्थिति में ये दिखना हुआ, अनुभव हुआ, स्थिति में हमको दिख गया, अब उसका फिर निर्णय होगा। अभी तक नहीं दिखा था, है ना, अभी आंशिक रूप से दिख रहा था, अब जब पूरा दिख गया तो उसके आधार पर मेरे अंदर भी तो कुछ निर्णय होंगे ना, अब मेरी क्रियाओं में परिमार्जन होगा। ये जो निर्णय है ये प्रमाण है। अब अनुभव से पहले की जो स्थिति है, तो मैं व्यवस्था को क्रमशः आंशिक रूप से देखने का प्रयास कर रहा था और काफी उसको देखता भी जा रहा था, एक एक करके समझता जा रहा था, ये बोध है। तो मुझे पदार्थावस्था समझ में आ रही है, प्राणावस्था समझ में आ रही है, जीवावस्था समझ में आ रही है, ज्ञानावस्था समझ में आ रही है, अब ये बोध हो रहा है, व्यवस्था का बोध हो रहा है, हर इकाई के जो स्वत्व है उसका बोध हो रहा है। अब जब ये संपूर्णता दिखी, सहस्तित्व तो दिखा, अब उसका बोध की क्रिया पूरी होती है, ठीक है ना। तो जो मुझे व्यवस्था दिख रहा था, अब उसका दिखना पूरा हुआ इस अनुभव के साथ, तो अब पूरी कल्पनाशीलता इसी अर्थ में नियोजित होगी। संकल्प का मतलब है संपूर्णता के अर्थ में कल्पनाशीलता का निश्चित होना, तो अब पूरी कल्पनाशीलता इस अर्थ में सज जाएगी। ये निर्णय हुआ उसके साथ कि अभी मैं इकाइयों को अलग अलग देख रहा था, व्यवस्था को एक एक करके पहचान रहा था, समझ रहा था, ठीक है ना। अब जब संपूर्णता दिखी, उसका एक पूर्णता के अर्थ में सब कुछ दिखाई दिया, तो उसके आधार पर मेरी कल्पनाशीलता उसी अर्थ से नियोजित हुई, उसका निर्णय हुआ। ये जो निर्णय हुआ बोध की पूर्णता के साथ, तो संकल्प हुआ। अब उसके साथ जो चिंतन में कर रहा था, भावों का एक एक करके, विश्वास का भाव दिख रहा था, सम्मान का दिख रहा था, है ना, शेष प्रकृति के साथ संबंध दिख रहा था, अब उसमें भी पूर्णता हुई अनुभव के साथ। तो ये जो पूर्णता हुई है ना, अब उसके साथ मैं चित्रण करूंगा, उसमें गति मिलेगी। अब मैं अपने जो गलत मान्यताएं बना ली थी, ठीक, उनका मैं मूल्यांकन करूंगा। अब वो मुझे दिखाई देता कि ये तो हमने अन्यथा मान लिया था, ऐसा तो था ही नहीं,
संबंध के बारे में कुछ अन्यथा मान लिया था, इकाइयों के बारे में कुछ अन्यथा मान लिया था, पूरे अस्तित्व के बारे में कुछ अन्यथा मान लिया था। अब इन सब का है ना निर्जरा होता है, ये सब ड्रॉप होते हैं। अब मेरा जो चित्रण होता है संबंध के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में होता है, इसे गति मिलती है, ये गति क्रिया है। तो चिंतन में वो भाव स्पष्ट हुआ, दिखा ऐसा ही है, और उसके आधार पर फिर गति मिलती है कि अब मैं उसको है ना इसके आधार पर कैसे जीऊंगा, स्वयं में क्या करूंगा, संबंध में क्या करूंगा, परिवार में क्या करूंगा, समाज में क्या करूंगा, उसके लिए हमारा एक चित्रण फैलता है पूरा, तो ये उसकी गति मिलती है। तो इस प्रकार से है मूल तो बात भैया फिर अपने में स्थिति जो क्रियाएं हैं उनका स्थित होने का ही जो काम है वो मूल काम है। ठीक बात है, एक बार स्थिति में आता है तो फिर वो गति में आता ही है, परंतु स्थिति में कैसे आए, तो अभी जब हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ भी हमारी स्थिति है, कि हो सकता है हम कल्पनाशीलता में या भी क्रियाशील है, ऊपर हमारी गति नहीं बनी है, तब तो फिर हम हर तरह से प्रयास करते हैं, तो हम गति में भी काम करते हैं, स्थिति के लिए भी काम करते हैं, तो हम निर्णय पहले ले लेते हैं कई बार, और फिर उसको जब पूरा करने जाते हैं फिर बात स्पष्ट होती है। तो जैसे चित्रण में हमने निर्णय लिया, अभी जो स्थिति है कि भाई मुझे ऐसे जीना है, परिवार में मुझे संबंध पूर्वक जीना है, रिएक्ट नहीं करना है, हर बार रिस्पॉन्ड करना है, अब हम पहले यहाँ पे चित्रण कर रहे हैं अगर हम अभी की स्थिति देखें, और जब हम उसको जीने जाते हैं और भाव स्पष्ट नहीं है तो हमारे ऊपर एक दबाव बनता है कि भाई भाव तो दिख नहीं रहा है ना, तो जो चित्रण कर रहे हैं वो चित्रण में उलझन हो जा रही है, उसके अनुसार जी नहीं पा रहे, विश्लेषण करते हैं तो उलझ जाते हैं, तुलन करते हैं ऑप्शंस क्लियर नहीं है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम गति से स्थिति की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो दो स्थिति दो है ना भाग है, उसको बहुत ही वैसे तो समझने क्रम में इतना साफ साफ नहीं रहता, मिक्सअप रहता है, परंतु यदि हम देखें तो एक स्थिति है या एक सिचुएशन है कि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो पहले चित्रण कर रहे हैं, चित्रण से हम चिंतन को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये कहेंगे कि हम अनुभव की ओर जा रहे हैं जी। जो अभी हम काम कर रहे हैं, तो हम पहले हम गति कर रहे हैं फिर गति से स्थिति को जाने का काम कर रहे हैं। अब जब दिख गया चिंतन में भाव आ गया, वो फिर वापस लौटता है चित्रण में, अब उसके आधार पर निर्णय होता है, अरे हर मनुष्य हर दूसरे मनुष्य को सुखी करना चाहता है, ये मुझे दिख नहीं रहा था, अब दिख गया, अब जब मैं चित्रण करता हूँ तो बिल्कुल स्पष्ट होता है, मान्यताएं ड्रॉप हो जाती है। तो पहले और बाद की बात करें तो निर्भर करता है कि हम अनुभव की ओर गति कर रहे हैं या अनुभव के साथ गति कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा। तो ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है ये देखें तो ये अनुभव पूरा होने के बाद है, तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि सहस्तित्व दिख गया तो उसके आधार पर निर्णय हुआ कि ऐसे ही जीना है ना, स्वयं में जो क्रियाएं अभी आंशिक रूप से जागृत थी अब उसमें पूर्णता आ गई है, तो है ना अब हर क्रिया को मैं अपने आप में पूर्ण कर पाता हूँ, निर्णय तो मेरा ही होगा, ये निर्णय कहाँ होगा, ये प्रमाण हुआ। तो एक निर्णय स्वयं में हुआ कि अब हर क्रिया को मैं पूर्ण कर पाता हूँ, जो पहले आंशिकता में थे पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा था अब दिख गया अनुभव के साथ, तो ये निर्णय स्वयं में हुआ। वैसे निर्णय परस्परता में होगा, व्यवहार में होगा, संबंध में होगा, है ना, वैसे ही शेष प्रकृति के साथ भी होगा, वैसे ही जो सिस्टम है उसमें भागीदारी के अर्थ में भी होगा। तो अनुभव के साथ जो स्थिति बनेगी वो ऐसी है जो डायग्राम में दिखाया जा रहा है, अनुभव से प्रमाण, प्रमाण से फिर बोध, बोध में पूर्णता, फिर बोध की पूर्णता से संकल्प की पूर्णता, संकल्प की पूर्णता से चिंतन में पूर्णता, चिंतन में पूर्णता से चित्रण की निश्चितता, अब ये सारी मान्यताओं से मुक्त हुआ है ना, अब इसमें कोई द्वंद विरोध है ना, कोई अनर्गल इच्छा बची ही नहीं। तो चित्रण में पूर्णता से फिर तुलन में पूर्णता, अब न्याय धर्म सत्य के साथ ही तुलन होगा, उसके आधार पर प्रिय हित लाभ की दृष्टियां नियंत्रित रहेंगी। फिर इस तुलन में पूर्णता के साथ विश्लेषण की पूर्णता, अब जब भी मैं विश्लेषित करता हूँ तो संबंध के अर्थ में ही करता हूँ, व्यवस्था के अर्थ में ही करता हूँ, अस्तित्व के अर्थ में ही करता हूँ, अब इसका मैं हर क्षण सुख का ही आस्वादन करता हूँ, तो आस्वादन में पूर्णता, इस आस्वादन में पूर्णता के साथ मेरे चयन में पूर्णता, कि अब मैं हर बार जो चयन करता हूँ, उभय सुख, उभय समृद्धि, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा, अब यही मेरे निर्णय होते हैं हर क्षण, ना कोई रिएक्शन रहा, ना किसी के प्रति विरोध है ना, ना कोई अनर्गल निर्णय, जो मैं निर्णय लेता हूँ वो हर बार कनेक्ट होता है मानवीय परंपरा के साथ, जहाँ अभी हम छोटी मोटी घटनाओं को लेकर रिएक्टिव बने रहते हैं, अब जब निर्णय लेते हैं इस
जागृति के साथ, पूर्णता के साथ, तो हर क्षण मानवीय परंपरा के अर्थ में ही निर्णय लेता हूँ, है ना। अब घटनाओं के सापेक्ष नहीं लेता हूँ, मुझे हर क्षण इस प्रकृति का नियम दिखाई देता है, व्यवस्था दिखाई देती है, उस अर्थ में निर्णय लेता हूँ। तो ये जो होना है स्वयं में, ये घटित हुआ अनुभव, अब जो एक्सप्रेशन जाता है वो मानवीय परंपरा तक जाता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति बनती है जब अनुभव हो गया, जो सामने डायग्राम में है जी। पहले अगर देखें तो इन एरोज को आप रिवर्स कर दीजिए, तो अभी जो कर रहे हैं, है ना, तो हमने कुछ चयन कर लिया, तो जैसे मान लीजिए किसी का व्यवहार मिला और हमने चयन कर लिया। अब चयन से आस्वादन में क्या हुआ भाई, दुख हुआ, ठीक। अब हमने उस दुख का विश्लेषण किया, उल्टा चल रहे हैं, तो पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर तुलन किया तो स्पष्ट नहीं है, चित्रण की ओर गए तो वहां भी क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी मान्यताएं मिक्सअप हो रही हैं। तो अभी हम ऐसे कर रहे हैं, बट ये भी हो सकता है कि सामने से कोई प्रस्ताव मिला जिसको हमने सुनने का चयन किया, अब उस प्रस्ताव से हमें आस्वादन हुआ कि हाँ बात तो ठीक लग रही है। जब ये बात ठीक लगती है तो उसका मैं और विश्लेषण करता हूँ, फिर उस ठीक बात का मैं तुलन भी करता हूँ कि हाँ, है ना, ये बात ऐसे ठीक है या वैसे ठीक है। फिर इसके बाद चित्रण भी करता हूँ कि अच्छा, ये संबंध पूर्वक जीने का मतलब है, ये व्यवस्था पूर्वक जीने का मतलब है ना, ये संयम पूर्वक जीने का मतलब है, तो मैं चित्रण करता हूँ। तो इस प्रकार से कर्म रहता है। तो जब अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस क्रम में क्रियाएं काम कर रही हैं, तो एरो को उल्टा कर दीजिए। फिर उसी क्रम में अभी हम जो प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि ब्लॉक B1 में एंट्री हो जाए, चिंतन जागृत हो जाए, क्योंकि एंट्री पॉइंट तो यहीं पे है। इसलिए हम बार बार करें भाव के प्रति सजग हो, क्योंकि जो परिमार्जन होता है वो भाव के स्तर पे होता है, विचार के स्तर पे नहीं। विचार तो यहाँ पे है, विश्लेषण तुलन है ना, उसमें परिमार्जन नहीं होना है, परिमार्जन भाव में होना है। जब हमको भाव स्पष्ट होता है, संबंध दिखता है, चिंतन होता है, फिर उसके साथ जितना भाव स्पष्ट होता है उतना व्यवस्था का बोध होता है, उसके साथ जुड़ी इकाई का। तो मानव मानव संबंध में भाव स्पष्ट हुआ तो थोड़ा मानव का बोध हुआ, मानव होता क्या है। शेष प्रकृति के साथ संबंध स्पष्ट हुआ तो शेष प्रकृति का बोध हुआ। तो अभी हम धीरे धीरे ऊपर की क्रियाओं को जागृत कर रहे हैं। फिर किसी पॉइंट पे जाकर इतनी जागृति हो जाती है स्वयं में, इतनी अवेकनिंग हो जाती है हमारी, कि हम वहां पे निर्णय लेते हैं कि अब इसके पूरे आधार को देखा जाए। तो निर्णय हुआ प्रमाण में कि अब इसके पूरे आधार को देखा जाए, ये है क्या, कैसे पूरी प्रकृति इतनी व्यवस्थित है, कैसे हर इकाई दूसरी इकाई से इतने निश्चित प्रकार से संबंधित है, कैसे इतने निश्चित प्रकार से नियंत्रित है, पूरी प्रकृति कैसे ऊर्जित है, अब इसको देखने का मैं निर्णय लेता हूँ यहाँ प्रमाण में। फिर इस निर्णय के साथ मुझे किस क्षण में दिख जाता है, जब मेरी पूरी प्रायोरिटी इसी बात को देखने की होती है, अब कोई और प्रायोरिटी बचा नहीं है ना, दिख जाता है कि, या कम से कम मेरे में निर्णय होता है कि अब इसको देखे बगैर तो उपलब्धि कुछ नहीं है, उस पॉइंट पे जाके मैं देख लेता हूँ। तो इसको अभी अगर हम देखें, अभी जिस क्रम में प्रयास कर रहे हैं, तो इस एरो को उल्टा कर लें, तो अब इस क्रम में प्रयास करें, दिख जाएगा तो सीधा हो जाएगा, ऐसा है। और यदि हम ना देखने का प्रयास कर रहे हैं ना दिखा है, तो फिर ये नीचे के एरो में आप दोनों तरफ वो एरो हेड लगा दीजिए, है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे कभी वैसे, और उसी को जब हम डायग्राम बनाते हैं तो पूरा गड्डम गड उल्टा पुल्टा उलझन परेशानी द्वंद दिखाई देता है। जी स्पष्ट हुआ? जी भैया स्पष्ट हो रहा है। तो बात वही है, मतलब जिसको सिंपल सा भी समझ रहे हैं कि अभी जो एफर्ट लग रहा है, जैसे जब वो स्थिति, जिस स्थिति में, जैसे जिसे अनुभव की स्थिति कह रहे हैं, वो घटना जब किसी समय घटेगी तो चीजें वही होंगी, लेकिन तब वो एफर्टलेसली हो जाएंगी, क्योंकि अपने में स्थित हो गया, वो दिख गया, वो स्पष्ट हो गया। और अभी क्योंकि स्पष्टता नहीं बनी है तो वो अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो उसके वो जो फ्लक्चुएशन है जीने में वो बना हुआ है, तो उससे भी उतना परेशान क्या होना। अगर जब तक हम ऊपर की क्रियाओं को जागृत करने के अर्थ में एफर्ट कर रहे हैं, तब तक तो ये पार्ट एंड पार्सल बना ही रहेगा। लेकिन ये है कि एफर्ट करते रहें, अपनी जिज्ञासा को देखता रहूं, तो फिर देखते हैं कि आगे आगे, है ना, कितना कितना समझ में आता है अपने आप को और ऑब्जर्व करते करते। जी, और इस एफर्ट में भी आप देखेंगे तो अल्टीमेटली मुद्दा अपने प्रायोरिटी सेट करने का है। जी जी, तो अभी जो बहुत सारी और चीजें प्रायोरिटी में आ जाती हैं, जिससे हमको सामूहिक रूप से सुख लगता है,
तो कई बार हमारा समय उसमें चला जाता है, वो अगर हम मूल्यांकित कर लें तो प्रायोरिटी बनने लगती है। तो एफर्ट भी बस इतना ही है, क्योंकि व्यवस्था बनी हुई है, संबंध बना हुआ है, कुछ भी हमको क्रिएट तो करना नहीं है, शास्ति तो बना हुआ है, ठीक, बस देखने का निर्णय ही होना है। तो उतना ही भाग है जिसपे अपने को ठीक से काम करना है। ठीक बात है भैया। तो अभी इस क्रम में हम एक तरफ तो स्वयं में देखने का और दूसरी तरफ परस्परता में भागीदारी करने का प्रयास करते हैं। तो ये इसलिए हम लोग कई बार कह रहे हैं ना कि जो भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे फिर हमारी प्रायोरिटी सेट होती है। मैं, मेरे पास 2 घंटे हैं, इस 2 घंटे में बैठ के कुछ संवेदना लूंगा बाहर से, या 2 घंटे में मैं कुछ व्यवस्था में भागीदारी करूंगा, ये मेरा निर्णय है। तो जब मैं इस निर्णय को लेता हूँ तो मेरे स्वयं में कल्पनाशीलता में एक प्रायोरिटी में शिफ्ट मिलता है। तो ये जो बाहर मैं भागीदारी करता हूँ स्वयं में गति देता है, जो स्वयं में गति देता है, मिलती है मुझे, उसे सहज रूप से बाहर भागीदारी की प्रेरणा मिलती है। जी। ये काम हमारे अंदर चल रहा होता है। जी, और इसको देख भी पाते हैं भैया, जब प्रायोरिटी बनती है, भागीदारी करते हैं, उसके बाद जो अपने में एनर्जी बनती है, और कई बार अदरवाइज टाइम निकाल दिया उसके बाद अपने में जो एक एनर्जी बनती है, दोनों एनर्जी में फर्क दिखता है कि किस समय अपने में ज्यादा सहज होने की स्थिति है, ज्यादा तृप्ति की स्थिति है। तो जब भागीदारी कर रहे होते हैं और भागीदारी समझ के आप साथ कर रहे होते हैं, तो जो एनर्जी बनती है वो सहज स्थिति बनती है अपने में। और वहीं कई बार अदरवाइज जो टाइम स्पेंड कर देते हैं, कई बार गप्पे लड़ाने में या मोबाइल चलाने में, और एक टाइम के बाद वो स्टार्टिंग में ठीक लगता है, लेकिन धीरे 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 उससे जो अपने में स्थिति बनती है लगती है, वो फ्रस्ट्रेशन वाली बनने लगती है। तो वो स्थिति ऐसी बनने लगती है जो सहज तो नहीं होती है, दिखता भी है ये जो आप बता रहे हैं। जी कुमार भैया, बहुत अच्छी स्पष्टता दी आपने, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं कृतज्ञ भाव से कह रहा हूँ। ये इसमें एक चीज मुझे समझ में आई, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट करिए, कि आपके कहने के अनुसार मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे 3 बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। पहली बात है जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, दूसरा चिंतन होना चाहिए, और तीसरी भागीदारी। अगर ये 3 चीजों पे मैं सातत्य से प्रयत्न करूं तो हम आस्वादन से अनुभव तक जा सकते हैं, और अनुभव से फिर हम सहज स्थिति में आ सकते हैं। क्या मैं सही हूं भैया? जी, तो जिज्ञासा वाली बात ठीक है, चिंतन में यह है कि चिंतन होना चाहिए, बट चिंतन तो अभी हो नहीं पा। चिंतन क्रिया को अगर यहाँ देखें, जैसा भी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो हमारे में सहज रूप से घटित होता है जब मैं कल्पनाशीलता में सही दिशा में प्रयास करता हूँ। तो चिंतन के हम प्रयास करेंगे तो कल्पनाशीलता को नियोजित करेंगे चिंतन के अर्थ में, अपने भाव को भी सजग होकर, और भागीदारी करेंगे। ठीक बात। तो बस वो जो दूसरी बात आपने कही उसमें हम ये कह सकते हैं कि चिंतन के अर्थ में पूरी कल्पनाशीलता को संयोजित करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते भैया, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। भैया एक प्रश्न ये था, जैसे अनुभव है, अनुभव किस चीज का होना है? जैसे ये व्यापक का है या अस्तित्व का है या ज्ञान का है, किस चीज का होना है? या इस प्रश्न को अभी रोक के रखें, बाद में देखें, तो बार बार मेरे अंदर ऐसे आता है कि ये क्या चीज होगी, इसका बिल्कुल बेसिर पैर है, इसका कुछ भी पता नहीं। अनुभव से अस्तित्व का होना है, ये जो पूरी प्रकृति है, इकाइयों का समूह है, ये किस प्रकार ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, इसको जब मैं देखता हूँ दिखता है कि शून्य में बने रहते हुए ऐसा है, ये दिखना ही अनुभव है। जी भैया, तो इसकी वही प्रक्रिया, मतलब इस व्यवस्था को समझने की उससे है, जो चिंतन की बात हो रही थी वहां से ही रास्ता जाएगा। हाँ, तो जो एंट्री पॉइंट है वो चिंतन है, इसलिए कह रहे हैं कि भाव को सजग हो, भाव को देखें, भाव में परिमार्जन के लिए काम करें। जो अभ्यास एक हम कर रहे हैं ना, तो अपने भाव को सजग होकर उसमें परिमार्जन के लिए अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी नमस्ते। जी भैया, काफी कुछ समझ में आ रहा है अभी तो। ये आपकी बात अभी बहुत ठीक लगी, ज्यादातर हम गति से स्थिति में जाने के प्रयास में रहते हैं जब हम जीवन में काम कर रहे होते हैं, पर जो सही एरो का होगा डायरेक्शन, वो तो स्थिति से गति की तरफ जाना है, और होना भी उसको एरो को नीचे से ऊपर की कोशिश करते हैं कभी, और होना चाहिए ऊपर से नीचे का, ये भी समझ आ रहा है। तो वही वहीं पे आके भी थोड़ा अटक रही हूँ कि जैसे अभी भैया ने भी पूछा कि जो अनुभव के पार्ट पे हमें जाना है, अनुभव को महसूस करना है, और उसके साथ जो चल रही है हमारी, जो भी अभी सुबह के सेशन में हम लोग कोशिश करें वहां तक जाने की, इससे लेके और
पूरे एरो को फॉलो करते हुए नीचे तक आने के लिए, जैसे बाकी चीजें हम अभी तक जितना हम समझ रहे थे कोएक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, तो विद एग्जांपल समझते थे कि एक्टिविटी अलग है और दोनों का अलग अलग है, ये समझ में आता था तो विद एग्जांपल्स। तो ऐसा कोई एग्जांपल्स हो जिसको हम और जरा रियलिस्टिक वे में कोरिलेट कर सकें, सो दैट एरो जो है वो हमारा ऊपर से नीचे, अनुभव से नीचे की तरफ आने का हो। अभी तो शुरू के टाइम में तो इन्फॉर्मेशन होगा ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बाद में शायद हमें रियलाइजेशन तक पहुंचाए। जी देखिए, जो एग्जांपल्स मिलेंगे आपको वो एक्सप्रेशन में मिलेंगे, जैसे हम संबंध का निर्वाह कर रहे हैं, है ना, तो परिवार के सदस्यों के साथ वहां पे एग्जांपल्स मिलेंगे, प्रकृति इकाइयों के साथ निर्वाह कर रहे हैं वहां एग्जांपल्स मिलेंगे। बट जब हम उसके मूल तत्व को देख रहे हैं उसको तो जैसा है वैसा देखना ही बनता है। क्या है, चूंकि अभी हमारा ज्यादा अभ्यास रूप को देखने का या गुण को विश्लेषण करने का है, तो हम वहां से प्रेरित होने का प्रयास करते हैं रूप और गुण के स्तर पर। पर जब हम उसके तत्व को देख पाते हैं तो उसका सार दिखाई देता है, संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, तो उसको तो वैसा ही देखना बनता है। तो अगर मैं एग्जांपल दूंगा भी तो अल्टीमेटली रूप और गुण के स्तर पे होगा। जैसे मैंने आपको एक पेड़ का उदाहरण दिया, जी जी जी, तो एक उदाहरण है, तो रूप और गुण के स्तर पे आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ भाई पेड़ का एक रूप है, है ना, कैसे ये मिट्टी के साथ, हवा पानी के साथ, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, तो ये आपको एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है। बट ये पेड़ मुझसे संबंधित है, इसको तो तात्विक रूप में देखना बनता है, इसमें एग्जांपल क्या लेंगे जी, इसका मतलब एक व्यवस्था है, इसको तात्विक रूप में देखना बनता है। तो अभी हमें जो देखने का अभ्यास है ना, रूप और गुण से आगे बढ़कर संबंध को देखना, व्यवस्था को देखना, शास्त्रित्व को देखना, वहां ले जाने का प्रयास करना है, और यही शुद्ध दृष्टा का अर्थ है। एग्जाम्पल्स एक्सप्रेशन में मिलेंगे, तात्विक रूप में नहीं, जो सार है वहां क्या एग्जाम्पल्स लेंगे, वहां तो जैसा वैसा देखना बनता है। जैसे एग्जाम्पल्स लेंगे फिर हम लौट के रूप गुण पे आ जाएंगे। जी जी, क्योंकि इसकी ही आदत है, हमें इसमें ही पहचानते रहते, ये तो समझ आ रही है। ठीक है भैया, इसका मतलब पूरी जो अभी अभी ये जो जर्नी है वो तत्व की तरफ ही जानने की कोशिश में लगे रहना है। और ये भैया एक चीज और इससे बन रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब अभी तक जो हमारे इमेजिनेशन में है उसी हिसाब से हम तत्व को भी देखेंगे अभी तो? हाँ, अभी तो प्रयास तो वहीं से करेंगे जहाँ हम खड़े हैं, तो अभी हम रूप और गुण के स्तर पे ही तत्व को पहचानने का प्रयास करते हैं। बट जब हमारे अंदर ऐसी स्थिति बन जाती है ना, वो प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि अब इसको देखना ही देखना है, तो दिखता है। जी, इसका मतलब ये स्वयं नहीं, जी इसका मतलब भैया ये स्वयं से ही पता चलेगा कि अभी अपनी यात्रा में हम कहां तक तत्व को हम कितना समझ पाए हैं। तो अगर खुद से ही खुद में कुछ कंट्राडिक्शन होता है, लगता है अगर कुछ समझा है तत्व को जाना है और फिर वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब कुछ और आगे देखने की जरूरत है जी। या तो देखा नहीं है जी, तो अगर हम तात्विक रूप से देखेंगे तो कंट्राडिक्शन नहीं दिखाई देगा, फिर तो उस तात्विक रूप में देखने के आधार पर जो कुछ अन्यथा माना हुआ था उसका मूल्यांकन होगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन वहां है जहाँ दो गलत मान्यताएं आपस में खड़ी है। जहां हमें सार दिखाई दे रहा है, अस्तित्व जैसा वैसा दिखाई दे रहा है, या व्यवस्था दिखाई दे रही है, संबंध दिखाई दे रहा है, वहां कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, फिर तो उसके अर्थ में बाकी चीजें मूल्यांकित होंगी, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब कि अगर हम तत्व तक पहुंचते हैं तो प्रमाण ये होगा कि वहां जाने के बाद कोई हिलने डुलने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि कंट्राडिक्शन नहीं है, वो हर वक्त वैसा ही दिखेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। नमस्ते भैया। भैया ये जो स्टैटिक एक्टिविटी है और डायनेमिक एक्टिविटीज है, तो इनमें स्टैटिक एक्टिविटीज का मतलब कि ये हमारे में स्थिर हो जाए और उससे गाइडेड होकर डायनेमिक एक्टिविटीज चले, ऐसा मानना है क्या? ऐसा हो जाए और चले नहीं, बल्कि जब दिखता है तो हमारे अंदर स्थित होता है। हमने संबंध को देख लिया तो हमारे अंदर स्थित होगा ना, वो भाव स्थित होगा। हाँ, तो वो हमारी स्थिति में आया है ना। अब जब वो दिख गया हमको तो फिर आप निर्णय उसी आधार पे बनेंगे, साथ ही देखना है, जीना है, संबंध को इसी आधार पे जीना है, व्यवस्था को इसी आधार पे जीना है, तो निर्णय होगा, वो भी एक सहज बात है जी। तो इसमें कोई अलग से हमें प्रयास या दबाव डालने की जरूरत नहीं, वो होता ही है। जैसे ये प्रमाण है, तो प्रमाण किस बात का? हमें ही अनुभव होना उस प्रमाण का कि ये पूरी जो व्यवस्था है
इस तरीके से एग्जिस्टेंस पूरी को एग्जिस्टेंस में बनी हुई है, जैसे आप पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं एप्पल का, जो कि पूरा उसको हमें अंदर वो समझ में आके अनुभव में ये आ जाए, तो प्रमाण यही प्रमाण मैं अपने अंदर अनुभव कर सकूं ये, और बाहर उसको तात्विक रूप से समझ सकूं कि ये सही है, यही चल रहा है, और इस बात का बोध होकर फिर मैं संकल्प लूं कि ये पूरी जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में सारी इकाइयों का कोई ना कोई तो पार्टिसिपेशन है, अपनी सब कर रही है, इसीलिए व्यवस्था बनी है। इसका मतलब मैं भी एक इकाई हूं तो मुझे भी इस व्यवस्था को समझते हुए अपनी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है, ये मतलब है सर। देखिए आपने जो बात कही ना उसमें लग रहा है अलग से एफर्ट लगा रहे हैं, अब इसमें से वो एफर्ट वाले पार्ट को हटा दें तो सहज रूप से निर्णय होगा। जब हमको अस्तित्व सहस्तित्व रूप में दिख गया तो इसके साथ ही जीना है, इसके साथ ही पूरी वास्तविकता को देखना है, वो तो सहज रूप से निर्णय होगा ना, तो अलग से मैं कुछ प्रयास नहीं कर रहा हूँ, अब वो सहज रूप से होगा ही। तो जब ब्लॉक B1 में अगर देखें प्रमाण और संकल्प को, तो सहज रूप से घटित होने वाली क्रिया है, ऐसा नहीं कि अलग से हमको इसके लिए संकल्प लेना पड़ता है, अलग से इसको हमको प्रमाणित करना पड़ता है, ये होता ही है। जी जी, यहाँ पे सहजता हो गई है ना, उससे पहले आप ब्लॉक B2 में प्रयास कर रहे हैं, स्थिति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, गति के लिए प्रयास कर रहे हैं, स्थिति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और गति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। स्थिति से ही गति होगी ना, स्थिति जैसी हमारी होगी उसी हिसाब से गति होगी। अभी दोनों ही है, हो सकता है कि हमने कुछ गति के लिए निर्णय लिया, प्रयास किया और उससे स्थिति में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आस्वादन में देखें तो दुख है तो हम चयन करते हैं समझना है, तो अभी दोनों तरफ हो सकता है। अच्छा अच्छा, ये है कि मतलब स्थिति से भी गति की तरफ जा सकते हो, गति से भी स्थिति की तरफ आते, जैसे जो चयन, जैसे किसी बात को, जैसे इसको सुनकर किसी प्रपोजल जैसे डिस्कस हुआ, उसको सुनकर अच्छा लगा, चयन किया उसका कि ये सुन रहे थे कि भाई इसको सुन लेते हैं, उससे अच्छा लगा, अच्छा लगा तो इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, इस तरीके से। जी जी, तो अभी देखें तो ब्लॉक B2 में हम अभी है ना, कभी स्थिति कभी गति दोनों तरफ प्रयास कर रहे होते हैं कि किसी तरह बात समझ में आ जाए, या फिर हम मान्यताओं और संवेदनाओं में झूल रहे होते हैं, कभी तो ये कुछ भी चल रहा होता है। जब समझने के लिए प्रयास करते हैं है ना, जब हम ऊपर की क्रियाओं को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो इन एरोज को उल्टा कर लें तो वैसा एक गति दिखाई देगा आपको अपने आप में, वैसा आपको क्रम दिखाई देगा। जी, इसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे भैया, अभी तो सिंपली ये बात हो रही है कि दृष्टा होने का अर्थ भोक्ता होने का अर्थ क्या है। जी जी, भोक्ता होने का अर्थ ठीक है। हेलो भैया। जी जी, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, एक चीज हमें पूछनी है इसमें से, मैं इसको वहाँ पे क्लास में पढ़ाया भी और समझ भी आ गया था, तो जब यहाँ पे हम ये इसमें गए थे ये पार्टिसिपेशन इन द लार्जर रिलेशनशिप, तो जब रिलेशनशिप में वहाँ पे बायो वाटर में जब देखा जा करके, तो जो इंसेक्ट की बात करी गई थी तो वो तो इंसेक्ट्स वगैरह है, तो जो उसमें थोड़ा सा मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर कहीं इनहेरिटेंस में देखे जा करके तो वहाँ पे हमको ब्रीड बेस्ड सॉरी सीड बेस्ड दिखता था, लेकिन जब इंसेक्ट वगैरह या कुछ उस टाइप की जो मछलियाँ उस तरह की होती जिसमें कि हम ऐसा मानते हैं कि उनमें जो है ना मानना नहीं होता है, तो उस हिसाब से अगर के देखा जाए तो सीड बेस्ड के हिसाब से देखा जाए तो वो ठीक है, लेकिन इंसेक्ट वगैरह में कुछ ब्रीड बेस वगैरह होता है, तो थोड़ा सा अगर के ये स्पष्ट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर ऑफ इनेटनेस और मतलब ये उनको समझा रहे थे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तक हम पहुंच गए थे वहां तक। जी भैया, तो ये थोड़ा सा बता सकते। देखिए, सीड और ब्रीड में अंतर ये है कि जब हम ब्रीड बेस कह रहे हैं तो शरीर की बनावट का मैं पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो रचना तो पेड़ पौधे की भी है, कीट पतंगों की भी है, मछलियों की भी है, हमारे शरीर की भी है, पशुओं के शरीर की भी है, बट चूंकि उनमें सेल्फ नहीं है कीट पतंगों में पेड़ पौधों में, तो कोई ऐसी बात नहीं होती कि शरीर का मैं पे कोई प्रभाव पड़ रहा हो। तो मूल बात इतनी है कि जब हम ब्रीड बेस्ड कर रहे हैं तो शरीर का जो मैं पे प्रभाव पड़ रहा है उसको देख रहे हैं, ठीक। और जब हम मानव की बात करते हैं तो शरीर का मैं पे प्रभाव उतना प्रभावी नहीं है, मैं का जो शरीर पे प्रभाव है वो ज्यादा प्रभावी है, तो एक शिफ्ट है यहाँ पे जीव जंतुओं में और मानव में, और पेड़ पौधों में मैं है ही नहीं, कीट पतंगों में है ही नहीं, छोटी मछलियों में है नहीं,
तो वहां पे बात ही लागू होती है। वो मतलब वही मैं वही बोल रहा था कि वहां पे उनमें मानना नहीं है, तो मानना नहीं है, पर लेकिन बस वही कंफ्यूजन इनहेरिटेंस को लेकर के हो रही थी कि मतलब वहां पे थोड़ा सा कि ये सीड बेस्ड जा रहा है, फिर ये कैसे जा सकता था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जी उसमें ये क्लियर कर ले कि जब मैं है ही नहीं है ना, तो मैं है ही नहीं, हाँ वो तो स्पष्ट है मैं है ही नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट था पहले से कि मतलब अगर ये ट्रेन नहीं कर सकते हैं तो मैं है नहीं उसमें। एक दूसरी चीज भैया, एक छोटी सी और चीज पूछना चाहते, जो अभी आपने ब्लॉक बताया हुआ है ये एक्सप्रेस आउटसाइड है, मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं और नीचे से ऊपर भी चलते हैं, तो अभी तो खैर हमें लग रहा है नीचे से ऊपर भी आप शायद बताएंगे सर कि नीचे से ऊपर कैसे। तो जैसे अभी आपने अभ्यास जो करवाया हुआ था, अभ्यास करवाया था, उस प्रत्यावर्तन और परावर्तन के वही चीज है यहाँ पे। तो जो स्थिति में है उसको प्रत्यावर्तन कह रहे हैं, जो गति में है उसको परावर्तन कह रहे हैं। तो प्रत्यावर्तन मतलब जो स्थिति में है, ठीक। अच्छा, तो जैसे बाहर से अंदर की ओर है तो प्रत्यावर्तन है, अंदर से बाहर की ओर है तो परावर्तन है। तो जो गति मिल रही है, जैसे आप इन एरोज को देखें तो जो भी गति क्या है ना, वो नीचे की ओर जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, और फिर फाइनली एक्सप्रेशन में जा रही है, व्यवहार कार्य में और पूरे भागीदारी में, तो परावर्तन है। और जब दिख रहा है तो प्रत्यावर्तन है, अंदर वो चीज स्थित हो गई तो प्रत्यावर्तन है। जी, ठीक भैया। और भैया एक और दो भी बाद में स्पष्ट कर दीजिएगा जब जरूरत हो। थैंक यू भैया, बस इतना ही पूछना था। एक और दो जो पावर है, एक और दो हमेशा ही खाली रहता है, जब हो तो बता दीजिएगा। हाँ, हम लोगों ने इसलिए इसको फोकस किया है कि क्रियाएं जागृत हो, क्रियाएं दिखे। एक और दो में कुछ शब्द रख भी देंगे तो अल्टीमेटली उससे कोई बात खास बनेगी नहीं। इच्छा विचार आशा को इसे रख दिया क्योंकि ये सामान्य रूप से बोलचाल में है, वो एक और दो पे जो है शब्द सामान्य रूप से बोलचाल में नहीं है, तो इसको रहने ही दिया है। पूरा फोकस इस बात पे है कि ये परिमार्जन स्वयं में हो, ये क्रियाएं मुझे स्वयं स्पष्ट हो दिखे, है ना, इसलिए इनके कम से कम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक भैया, थैंक यू भैया। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्ते सर। ये डायग्राम जो है, जैसा अभी ऊपर से नीचे चलाया आपने ये जी, और नीचे से ऊपर भी इसे देख सकते हैं, होना तो ये ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए। अभी तक मैं देखता हूँ जो स्थिति बनी रहती है वो जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है इस तरह की रहती है ज्यादातर, कुछ क्लियर होती है। तो सर मैं ये चाह रहा था इसका जो है एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म रिटर्न में मिल जाए विद एग्जाम्पल के साथ, तो वो सब बाद में भी समझने में थोड़ी आसानी रहेगी और दूसरे को समझाने में भी। साहब जी देखिए, एक तो यह है कि ये चीज थी कि बुक अभी पब्लिश हो रही है तो उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा। ये दूसरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, अगर हम देखें तो स्वयं पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो स्वयं पे रिकॉर्डिंग की गई थी, और ये जो सुबह में हम लोग सारी चर्चा कर रहे हैं इसका भी रिकॉर्डिंग थोड़े समय बाद अवेलेबल हो जाता है। कितना मेटेरियल तो है, उसके बाद जो मुख्य काम है वो तो स्वयं में देखने का ही है। कितना मेटेरियल तो अवेलेबल है आज के दिन में, वो साहब थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होती है। देखिए प्रॉब्लम समझाने में नहीं है, प्रॉब्लम समझने में है। समझाना तो हो ही जाता अगर समझ में आ जाए तो। नहीं साहब, अपना आपको तो लगता है कि समझ में आ गया। वही लगता है ना, समझ में आया नहीं है, और जब समझाने जाते हैं तो समझ में आता है कि समझा नहीं है। तो समझाने को केंद्र में रखें, समझाने को केंद्र में ना रखें, समझने को केंद्र में रखें। जी सर, जी सर, जी ठीक सर, थैंक यू। तो इस पूरी बात को देखने समझने के साथ ये बात अब हमें स्पष्ट होती है ना, कि मूल काम तो स्वयं में इस परिमार्जन को सुनिश्चित करना है ताकि जो ब्लॉक B1 की क्रियाएं हैं वो जागृत हो जाए, है ना। तो उसी अर्थ में शरीर साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ, उसी अर्थ में शरीर के लिए सुविधाएं जुटाता हूँ, ठीक, उसी अर्थ में मैं पूरे जीने का कार्यक्रम बनाता हूँ। तभी बात मेरे अंदर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है कि मानव के होने में मैं केंद्र में है, ये मैं का विकास ही मुख्य उपलब्धि है या उपलब्धि है, ठीक। बाकी सब कुछ इसके साधन के अर्थ में है, इसका साधन है, शरीर भी साधन है, सुविधाएं भी साधन है। साधन मतलब इस साध्य को पूरा करने में उनको नियोजित करना है। तो ये जितना जितना हमको ये मैं का विकास क्लियर होता है, जितना जितना शुद्ध दृष्टा का भाव क्लियर होता है, जितना जितना हमको कर्ता भाव में तृप्ति स्पष्ट होता है, जितना जितना भोक्ता भाव में तृप्ति स्पष्ट होता है, उतना हम
ये देख पाते हैं कि अल्टीमेटली मुझे इसी स्थिति में पहुंचने के लिए तो सारा काम करना है, कैसे तो जैसा वैसा दिख जाए। हर क्षण मैं संबंध व्यवस्था संस्थिति के अर्थ में ही निर्णय लूं और मेरे अंदर निरंतर सुख की स्थिति बनी रहे, उसी क्रम में मैं शरीर का प्रयोग करता हूँ, सुविधाओं का प्रयोग करता हूँ। तो मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, शरीर तो साधन मात्र है। इस बात पे हम धीरे धीरे पहुंच भी पा रहे होंगे और धीरे धीरे और काम भी करना है। क्रमशः हमको स्थिति में पहुंच जाना है जहां हमको दिखाई दे कि अल्टीमेटली तो यही अर्थ में सब कुछ है। तो जितना मैं अभी कार्यक्रम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, है ना, परिवार चला रहा हूँ, समाज में भागीदारी कर रहा हूँ, शरीर का ध्यान रख रहा हूँ, ये सारा कुछ जो कर रहा हूँ, तो केंद्र में तो ये मैं का विकास है। इसके साथ ही जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें तृप्ति होने वाली है, उसमें आराम मिलने वाला है। जी, तो मानव के होने मैं केंद्र में है, शरीर साधन मात्र है। तो इस पूरी बात को समाप्त करें तो ये दिखाई देता है कि मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है। मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ। जी, स्वयं पे जो कोर्स है, चैट बॉक्स में मैसेज है, वो तो सेल्फ पेस्ट कोर्स है, तो वो लिंक हम लोगों ने कई बार शेयर भी किया है। आप स्वयं पे अगर इस कोर्स के नाम से ढूंढेंगे तो मिलेगा, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें सारे वीडियोज आप एक एक करके देख सकते हैं और वही सारे वीडियोज यूट्यूब पे भी है, तो अगर उस नाम से ढूंढेंगे तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और साथ में ये जो हम लोग सुबह की चर्चा कर रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी सत्र में, इसको भी अपने साथी ससमय उसको एडिट करके अपलोड भी करते जा रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो मानव मैं और शरीर का अस्तित्व है, मैं ही दृष्टा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ और मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ। मेरी जो आवश्यकता है वो ये है कि मैं अपने आप में इस भोक्ता भाव में तृप्ति की निरंतरता को सुनिश्चित कर पाऊँ, और इसलिए जो कार्यक्रम है कि मैं संबंध को देख पाऊँ, व्यवस्था को देख पाऊँ, संस्कृति को देख पाऊँ और वैसा ही जी पाऊँ, उसी को दूसरे शब्दों में कहा तो जीने के जो पूरा फैलाव है व्यक्ति से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक, वहां मुझे व्यवस्था समझ में आ जाए, व्यवस्था में जीना हो जाए कि नहीं। और इस पूरे क्रम में शरीर साधन मात्र है। ये शरीर को आप जितना जितना साधन के रूप में देखेंगे, आप पाएंगे शरीर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना भी उतना ही सहज हो जाता है, और सुविधाओं का भी तय करना, निर्णय लेना सुविधाओं के बारे में उतना सहज हो जाता है। तो आप जब भी कोई सुविधा लेने जा रहे हैं, आप पूछेंगे इस सुविधा से शरीर में क्या उपलब्धि होने वाली है, पहला। दूसरा, इससे मैं में क्या उपलब्धि होने वाली है, चाहे वो मेरी बात हो या अगले परिवार के सदस्य की बात हो। तो अब हर बार इस चीज को पूछ पाएंगे कि अगर ये सुविधा शरीर के काम की नहीं है तो क्यों लेनी है, शरीर के काम की भी है तो उससे मैं में क्या काम होने वाला है, ये भी हम देख सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जितना जितना इस बात को आप स्पष्टता से देखेंगे, आपके अंदर समृद्धि का भाव उतना पुष्ट होता जाता है, संयम का भाव उतना पुष्ट होता जाता है, और उसका एक फलन ये है कि शरीर में स्वास्थ्य सहज रूप से बना रहता है और दूसरे को पोषण करने की प्रवृत्ति सहज रूप से बनी रहती है। समृद्धि का भाव होता है तो दूसरे को पोषण करने की प्रवृत्ति आती ही है, संयम का भाव रहता है, स्वास्थ्य बना ही रहता है कि नहीं। अब अगर कभी थोड़ा उतार चढ़ाव भी हो गया तो उसको हम ठीक कर लेते हैं बिना घबराए, बिना परेशान हुए, है ना। फिर ये भी जो बात निकल कर आई थी कि मैं और शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो मैं और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है, ये सिर्फ सूचना का है ना। मैं शरीर को निर्देश दे रहा हूँ और शरीर में होने वाली क्रियाओं को मैं आस्वादन के स्तर पर पढ़ रहा हूँ, वो भी मेरा निर्णय है, आवश्यकता अनुसार मैं इसको पढ़ता हूँ। जी, तो ये बात पूरी देखे तो समरी के रूप में निकल कर आया। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। तो अब इसके आधार पर होमवर्क क्या बनता है, तो जो बात हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं उसी को यहाँ पे रखा गया है कि एक तो अपनी कल्पनाशीलता को देखें और बारीकी से देखें, उसमें इच्छा विचार आशा को देखें, भाव को देखें, ये काम हमको सतत रूप से बनाए रखना है। तो जो हम लोग अभ्यास शुरू किए हैं उसको तो सतत रूप से बनाए रखना है। इसको थोड़ा सा हम लोग ये भी एक बार अपने आप में निर्णय ले सकते हैं कि जब ये UHV-3 चल रहा है सुबह में, तो ऐसा नहीं खाली एक या दो घंटे का कार्यक्रम है, अब मुझे इस पूरे दौरान अपने पूरे दिन भर के जीने के कार्यक्रम को उसी अर्थ में सेट करना है, तय करना है, ताकि इसको मैं समझ पाऊँ, देख पाऊँ, जी पाऊँ। ये निर्णय जितना हम ठीक से अपने आप में कर पाएंगे, चयन में कर पाएंगे, है ना, जितना भाव में कर पाएंगे निर्णय, उतना वो हमारे अंदर गति को प्रेरित करेगा और हमारे
परिमार्जन में सहायक होगा, तो वो भी एक महत्वपूर्ण बात है, उसको हम देख सकते हैं। फिर आप ये देख पाते हैं क्या कि आपका जो हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस है वो आपके ही कल्पनाशीलता में है और वो आप ही का निर्णय है। जैसा आपकी स्थिति होती है, जैसे आपकी कल्पनाशीलता में गति होती है, उसके अनुसार ही आपका सुख दुख बना रहता है। तो जैसे आप किसी के साथ बदले लेने की सोच रहे हैं, प्रतिशोध के भाव से सोच रहे हैं, तो विरोध का भाव है। अब आप देखें उस समय आप सुखी हैं कि दुखी हैं, तो ये थोड़ा सा मोटे मोटे स्तर पे भी देख सकते हैं, बारीकी से भी देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि आपके अंदर जो भी भाव बनता है वो शरीर की स्थिति पे कितना निर्भर है ना। ये भाव तो आपके अंदर ही बना हुआ है, शरीर पे सिर्फ कोई ऐसी निर्भरता भी नहीं है। हाँ, शरीर के साथ जो आपका जुड़ाव है, जो संवेदनाएं मिल रही हैं, उससे अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तो फिर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक और बात लिखी है कि अगर ऐसा है कि आप किसी एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं अपने डायरेक्टर के साथ और उनके साथ एक विरोध का भाव बना हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें हम आराम में है कि परेशान है, सुखी है कि दुखी है, क्या मेरी स्थिति है। तो इन सब बातों को अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये असाइनमेंट है। बट आप तो अब थोड़ा ज्यादा गहराई से देख पा रहे हैं, मुझे ऐसी आशा है। तो इसको तो हम आसानी से कर पाएंगे इस अभ्यास को, जो तीनों बातें लिखी है, और साथ में ही अपने भाव को हम देखने का अभ्यास करते रहें और शरीर के साथ जुड़ाव को भी देखें। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। वो जी नमस्ते। अभी जो आप भैया ध्यान दिला रहे थे उसी से पूछना है कि जो आप अभी जैसे कह रहे थे कि जो जैसा है वैसा देख लेना, तो ये जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये है ना कि उस यूनिट का जो इनेटनेस है उसको देख लेना, तीनों को ही देख लेना, संबंध को भी देख लेना, जो इनेटनेस है या व्यवस्था है उसको भी देख लेना और अस्तित्व को भी देख लेना। जी जी भैया। और जो हम लोग डायग्राम में चित्र में जो आप स्थिति क्रिया और गति क्रिया समझा रहे हैं, तो उसमें ये पूछना है कि यदि मेरा एजम्पशन गलत भी हो सकता है क्योंकि वो चीज मुझे तो हुआ नहीं है, तो स्थिति क्रिया यदि अपने में हो जाए, जैसे सपोज यदि मुझ में अनुभव हो जाए, तो वो गति क्रिया अपने आप होगी या फिर दोनों दोनों से कोरिलेटेड है, ये एक चीज पूछना है। वही स्थिति में जब आएगा तो अनुभव सहज रूप से होगा, गति सहज रूप से होगा ही। तो अनुभव जब स्थिति में आया तो उसका प्रमाण सहज रूप से मिलेगा ही। जी जी जी, अभी तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, वो चीज दिखा नहीं है, हुआ नहीं है अपने, जैसे भाव ही अपने अंदर में सही नहीं हुआ, बाहर से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी में नहीं चल पा रहा है, अभी तो यही कर रहे हैं ना हम। हाँ, तो अभी तो ब्लॉक B2 में एफर्ट लगा रहे हैं, सहजता नहीं है जी, है ना, कभी बेहोशी में चले जाते हैं हम लोग, कभी थोड़ा सतर्क होते हैं, कभी थोड़ा सजग होते हैं, सहज होते हैं जब B1 ऑपरेशनल होता है। जी भैया, धन्यवाद भैया। समय तो हो चला है, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। नमस्ते सर।